हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो आज हम लोग दाल पूरी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम लोग इसमें जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्च को रफली चॉप करके इसमें डाल दिया था। अब ये जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हम लोग इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम लोग यहाँ पर अपना चना दाल ऐड करेंगे। तो ये चना दाल हम लोगों ने 4 घंटे तक पानी में सोख करके रखा था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही चना दाल हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हम लोग इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। इसका पानी जब पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम लोग इसमें नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा करके इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। अब इसका आटा तैयार करेंगे। तो आटे के लिए अगर आप 1 कप गेहूँ का आटा ले रहे हो तो आपको 2 कप मैदा लेना है। उसके बाद इसमें घी, अजवाइन और नमक डाल के रोटी के आटे से हल्का गीला आटा तैयार कर लेना है। उसके बाद इसका एक छोटा सा पोर्शन लेके इसमें चना दाल वाला स्टफिंग भर देना है और उसके बाद इसकी हल्के हाथों से पोटली बना के दोनों तरफ से आटा लगा के अपने रोटी के शेप का बेल करके तैयार कर लेना है। अब हम लोग इसको सेकेंगे। तो स्टार्टिंग में इसे हम लोग स्लो गैस पर सेकेंगे, उसके बाद हम लोग इसे फास्ट गैस पर सेकेंगे। तो इसे दोनों साइड से बराबर से पलट पलट के घी तेल लगा के अच्छे से प्रेस करके इसे सेक ले रहा है और हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। तो हमारा क्रिस्पी दाल पूरी बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।